अभी देखो घर में वाइफ पति कहता है हमारे बाप युगल सदा बोलते रहते, गुस्सा करते, सदा नमक कम डालते खाने में, इनका स्वभाव ठीक नहीं। माता जी कहते हैं हमारा पति गुस्सा करता है, सुनता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो क्या करे? प्रश्न है, करे क्या? तो बाबा ने भी देखा ये मेरा पति नहीं, देश बाबा आपका बच्चा, इस बच्चे को सुनते, इस बच्चे को शांति की शक्ति, चलते फिरते सारा दिन इन्हें तो याद आता है, देखो ये पति ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, यही चलता है, उसके जगह पर बार बार बोलते रहो बाबा से बात कर, बाबा ये मेरा नहीं, ये आपका, इसको आपने सुधारना है, मैं सुधार नहीं सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ पति भी कहेगा हमारी वाइफ देखो रोज नमक ज्यादा डालती है, कम डालती है, ऐसी करती है, सुनती नहीं है, ये ऐसा है। हाँ आप भी मन में उनके प्रति क्या कर सकते हो? दवाई दे दो, दवाई माना दुआ, शिव बाबा ये आपके बच्चे, मैं इसको सुधार नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, आपके बच्चे, आपने सुधारना, आप कहते गुस्सा नहीं करो, गलत नहीं बोलो, संसार को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं, जोड़ के रखना चाहता हूं, तो इसके लिए आप कुछ करो। बाबा से रोज एक महीना लगेगा, एक छह महीना लगेगा, समय दाग मिटाने के लिए टाइम लगता है ना, तो लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया वो कभी खाली नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल, भगवान के घर में अंधेर में थोड़ी देरी होती है कि मिटाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन फल मिलेगा। आप उनके लिए कभी कोई पूछेगा अरे आपके पति ऐसा नहीं, नहीं वो हमारा पति तो देवता है, आपको पता है बहुत गुस्सा करता है, शराब भी पीता है, कभी बोलना नहीं किसी को, नहीं हमारा पति तो देवता जैसा है, अच्छा बात करो। अगर कोई पूछेगा भाई जी आपकी युगल तो ऐसी है, नहीं नहीं वो तो हमारे घर के लक्ष्मी है, महिमा करो। अगर किसी को आप ऐसे कहते तो मेरी युगल ऐसी है, मेरा पति ऐसे है, कल उसको पता चलेगा, किसी ने द्वारा बोलता है आपका वो ऐसे बोलता है, मेरी गुलामी करते हो, और दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी हम बढ़ाते हैं, पता नहीं चलता है, मुख से निकलता है, किसी को पूछेंगे हाँ मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, ये देवर ऐसा है, ये सास ऐसी है, एक दूसरों को बोलते हो तो कल उनके कान में आता है मेरी बहू ऐसी है, तो बोलते हो तो वो कल सास मेरी ऐसी बदनामी करती है और उनके अंदर जोश पड़ता है। तो पता होते हुए बुराई पता होते हुए भी वर्णन नहीं करना संभव है, ये इतना सहज नहीं है, तो ये यही पढ़ाई इस ईश्वरीय विषय, पता होते हुए भी जानते हुए भी बोलना नहीं, बोलना मीन्स मन में आया, जो मन में आया वो मुख में आया, मुख में आया कर्मों में आया, कर्म भ्रष्ट बन गए। पहले मन को समझा, मन में आता है अरे ये बेटा ऐसा है, ये पति ऐसा है, ये देवर ऐसा है, ये सास ऐसा है, ऐसी है, आता है मन में आया, आज नहीं तो कल मुख से आएगा, मुख से आया कर्मों में भी आएगा, तो जानते हुए समझते हुए कर्म नष्ट होते हैं। तो क्या करे? तब कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राजयोग है, नंबर वन पवित्रता है, कुछ भी नहीं है। मन में गीता में कहा अधम ते अधम महापापी है, पत्थर मारना चाहिए नहीं, दया क्षमा, कैसे दया क्षमा के बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप सुधार सकते हैं, मेरे पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं ना ऐसा फूल है मैं उसके ऊपर चढ़ा लूं उसको देवता बनाऊं, तो बनाने वाला आप, ये आपका बच्चा है, रोज चलते फिरते मन में यही धुन लगी रहे, जब जब मन में गलत विचार आता है नहीं बाबा आपको इसको ठीक करना है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर उसको ठीक करना है आपको ही करना है। इसको कहा एक बल, एक भरोसा, एक पर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल, समय लगेगा तो भगवान जरूर मदद करेगा, अगर भगवान नाम कोई है ऐसा सृष्टि पर आया है तो जरूर सुनता है, लेकिन अंधेर नहीं होता, देरी होती है, हो सकता है दिन, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत निश्चय रखना पड़ता है, 10 दफा पाप फिसल जाएगा, 1 दफा बचाएगा। देखो द्रौपदी को भी अंत में आया, पहला नहीं आया, पहले आता था ना, नहीं अंत में वो देखता है तुम्हारे निश्चय कितना है, अंत में भगवान मदद, पहले आपने किए हुए कर्म भोगना पड़ता है, वो भोगने के बीच में आता नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगना है, भोगना खत्म हो गया तब भगवान मदद करता है।
ये भी कर्मों की गति जाननी चाहिए। ठीक है, ओम शांति।